हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्लब का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हम लेकर आए हैं इंडिया वुमेन्स और इंग्लैंड वुमेन्स का थर्ड ओडीआई का प्रीव्यू, और साथ ही पिछले दोनों ओडीआईज में किस तरह का परफॉर्मेंस रहा हम पूरे डिटेल में जानेंगे। और पिछले दो दिनों से आप तक वीडियो नहीं पहुंचा क्योंकि हम खुद बाहर थे, ट्रैवलिंग में थे, इस वजह से वीडियो आप तक नहीं पहुंचा। बट डेफिनेटली आप तक इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आते रहेंगे क्योंकि आज दिन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और इसी बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ अनमोल जी मौजूद है मुंबई से लाइव। तो बहुत बहुत स्वागत है अनमोल जी। बहुत शुक्रिया, सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार और साथ ही साथ सभी का स्वागत हमारे अपने आप सबके अपने स्पोर्ट्स क्लब के फैमिली के यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे ये सिंपल सी बात है सूरज भाई, काफी इंटरेस्टिंग डे है और आज के इसके ऊपर भी एक अच्छा शो हम लाएंगे वर्ल्ड कप के ऊपर, जो 2007 में हमने जीता था आज के दिन, उसके ऊपर एक शो हम लाएंगे, प्लान कर रहे हैं हमारी टीम के साथ हम एक बढ़िया शो लाएं। लेकिन उससे पहले आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला भारतीय टीम खेलेगी, भारतीय महिला टीम खेलेगी, और अगर हमने इंग्लैंड को इंग्लैंड में क्लीन स्वीप कर लिया तो ये एक ऐतिहासिक क्षण होने वाला है सूरज भाई भारतीय क्रिकेट के लिए। बिल्कुल, ये काफ़ी ज़्यादा एक ऐतिहासिक क्षण होगा क्योंकि इसके पहले वुमेन्स टीम ने शायद ही किया होगा ऐसा, ये कारनामा क्लीन स्वीप करने का, और ये बड़ा अच्छा मौका है हमारे पास कि T20 में तो दोस्तों, हाँ, और साथ ही साथ दोस्तों T20 की हार के बाद ये एक बड़ा मौका भारतीय टीम को मिला है। जिस तरह से बैटिंग और फील्डिंग ने क्लिक किया है, बॉलिंग ने जिस तरह से सपोर्ट दिया है, तीनों डिपार्टमेंट में भारतीय टीम ने आउट क्लास किया है दोनों मुकाबलों में। अगर हम देखें इंग्लैंड को पहले गेम में चेस करते हुए और फिर सेकेंड गेम में डिफेंड करते हुए, जो कि हमारी कमजोरी हुआ करती थी। लोग कहते हैं भारतीय टीम डिफेंड नहीं कर सकती, करम उस मैच में हमने दूसरे मैच में डिफेंड करके दिखा दिया स्कोर, और हरमनप्रीत कौर को क्रेडिट देना होगा जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की पहले इनिंग में, और फिर जाके जो टेमी बोमोन जो कि बहुत डेंजरस लग रही थी उनको जो क्लासिक रन आउट करके पूरे मुकाबले को पलट दिया। लाजवाब 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 थ्रो था वो, पूजा वस्त्रकार का एक बेहतरीन थ्रो। हाँ, और हरमनप्रीत कौर का भी इन्वॉल्वमेंट उसमें था। हाँ, ये वो बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट उनका था क्योंकि उन्होंने आज उन्होंने ऐसी पारी खेली थी जो कि हमें वर्ल्ड कप 2017 की याद दिलाती है। वर्ल्ड कप 2017 में उन्होंने 171 बनाए। सिचुएशन बहुत क्रिटिकल थी इंडिया के लिए, जल्दी विकेट चले गए थे तीन, लेकिन उसके बाद यास्तिका भाटिया और हरमनप्रीत कौर ने बीच में आकर एक अच्छी पार्टनरशिप दी हमको, और उसके बाद हरमनप्रीत कौर ने यास्तिका भाटिया ने भी अपने आप को एक कह सकते हैं स्टेबल कर दिया अब टीम में, क्योंकि उनको चांसेस मिल रहे थे, वो परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, परफॉर्म कर भी रही थी तो थोड़ा एवरेज कर रही थी, लेकिन कल के मुकाबले में जो उनका परफॉर्मेंस था, यानी दूसरे मुकाबले में जो उनका परफॉर्मेंस था 22 तारीख वाले, बहुत लाजवाब था। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के भी मैचेस चल रहे हैं दोस्तों, उसके ऊपर भी एक अलग शो लाएंगे हम। बिल्कुल, कल तो हमारे नागपुर में था। बिल्कुल, कल तो हमारे नागपुर में ही था और टीम डेविड ने भी अपना डेब्यू कर लिया है इंडिया के खिलाफ। इसके पहले वो सिंगापुर की ओर से खेलते थे, यानी कि दो बार उनका डेब्यू हुआ है। और दूसरी चीज ये भी है कि ऐसा है कि अभी की जो सिचुएशन है उस हिसाब से कल का मुकाबला, क्योंकि पलाश जी काफी नागपुर में, उनको मुकाबला ऑफिशियली थोड़ा कवर करना था इसलिए वो बिजी थे, तो वो आपके लिए एक बढ़िया शो लाने वाले थे कल नागपुर के VCA स्टेडियम से एक शो लाने वाले थे, लेकिन कुछ इश्यूज आ गए, नहीं तो हम आप लोगों के लिए वो भी कर लेते आ रहे हैं। हालांकि और विमेंस के जितने भी मैचेस होंगे, चाहे विमेंस BBL हो, द 100 विमेंस तो अभी खत्म हो चुका है, तो विमेंस की सारी जानकारी तो है वो मेरे थ्रू तो आपको मिलती रहेगी। और नेशनल गेम्स साथ ही 28 सितंबर से नेशनल गेम्स स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसके बारे में आपको सारी अपडेट मैं देते ही रहूंगा। जैसे मैंने अनमोल जी बात करते हैं आज के स्पेशल डे के बारे में, आज के ही दिन नहीं, आई थिंक स्पेशल डे के ऊपर हम एक डिटेल अलग शो रखेंगे सूरज भाई। पर फिर भी हमारे दर्शकों को जानना जरूरी है कि आज स्पेशल आखिर है क्या, जैसे कि 15 साल पहले, 15 साल पहले हमने आज ही के दिन हमारे आज राइवल्स, हमारे पड़ोसी, हमारे पड़ोसी मुल्क को आके हमने जिस तरह से हराया था, वो लास्ट बॉल, वो लास्ट ओवर, वो जोगिंदर शर्मा का, वो श्रीशांत का कैच, वो मिस्बा का शॉट, आई थिंक हर एक भारतीय क्रिकेट फैन के दिमाग में वो लम्हा जो है कैद है,
और हर इंसान जो आज के दिन सेलिब्रेट कर रहा है उस लम्हे को, बिल्कुल और आज बिल्कुल, तो देखिए वो 15 साल यादगार, कंप्लीट हो गए हैं वो और अभी यादगार वर्ल्ड कप पल कुछ ही थे वो महीनों में, 2007 के। जी और कुछ ही महीनों में वर्ल्ड कप भी शुरू हो रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी भारतीय टीम हमें दूसरा मौका वैसा ही दे जब हम याद कर सकें ऐसे मोमेंट्स। जी देखो अनमोल जी, एक सवाल है कि शेफाली वर्मा लगातार आउट ऑफ फॉर्म चल रही है, तो क्या आप एक चेंज देख सकते हैं शेफाली आई की डोंट जगह थिंक जेमी कि मॉन? अभी नहीं, देखो सिंपल सी बात है सूरज भाई, अगर आप किसी ओपनर को ग्रूम करना चाहते हो तो शिफाली जैसी बल्लेबाज है, तो उनका जिस तरह का खेलने का तरीका है आप वो देखोगे कि शिफाली जो है जल्दी आउट होंगी, ऐसा नहीं है कि वो नहीं होगी जल्दी आउट, क्योंकि उनका ऐसा सीन होएगा वीरेंद्र सहवाग भी आप देखें तो बहुत टाइम आउट ऑफ फॉर्म रहते थे, लेकिन जिस मैच में वो चलते थे उस मैच को सिंगल हैंडेडली जिता देते थे, वैसा ही सीन शिफाली का भी है। She's out of form, but no, you should back the player if you know if she's out of form, you should back her because she has that tendency. She's so aggressive and no, she's very positive, so aggressive. Her intent is very positive towards cricket. So that's why I think usko unko agar jitna chances doge, utne baar mujhe lagta hai zyadatar fail hone ke baad ab अगर उनको जैसे हरमनप्रीत ने कंधे पे हाथ रख के बोल दिया कि कोई इशू नहीं है आप या अगले गेम में परफॉर्म कर एब्सोल्युटली शी लोगे, विल ग्रो हर स्किल्स, हर बैटिंग शी स्किल ग्रो एज़ हर सून एज़ स्किल्स, पॉसिबल। यस या शी विल ग्रो हर बैटिंग स्किल्स बाय द एवरी गेम एंड दैट्स आई थिंक दैट्स हाउ द क्रिकेटर्स ग्रो, दैट्स हाउ क्रिकेटर्स बिकम बिग, दैट्स हाउ ग्रेट प्लेयर्स बिकम लेजेंड्स ऑफ द गेम। सो आई थिंक दीज आर द थिंग्स दैट इंडिया शुड कंसीडर। और अभी हम इसी बारे में बात कर रहे थे, शिफाली वर्मा का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, शिफाली वर्मा का परफॉर्मेंस इस इंग्लैंड दौरे में लेकिन उतना ठीक ठाक नहीं रहा, ओवरऑल परफॉर्मेंस देखे तो फिर भी उनकी एज के हिसाब से उन्होंने जबरदस्त किया है। शी इज जस्ट 19 नाउ और 18 पिछले दो मैचेस से वो आउट ऑफ चलते रहे, बट पिछले बट कैन बट कैन शी गेट्स कैन शी गेट 50 इन द थर्ड ओडीआई, लेट्स सी। आई थिंक शी विल गेट अप, यस यस आई थिंक आज स्मृति और शिफाली दोनों पे काफी कुछ निर्भर करता है। लेकिन आज हम एक महत्वपूर्ण प्लेयर पे बात करना भूल गए हैं जिनका आज आखिरी मुकाबला है, काफी भावुक दिन है भारतीय क्रिकेट दर्शकों के लिए। 1998 तब से हम शुरू करेंगे जब एक 18 साल की लड़की वेस्ट बंगाल से आई थी भारतीय वुमेन्स सर्कल में, 2002 जी हाँ, और सिर्फ 18 साल की थी वो उस समय, और जब ये आई थी 18 साल की हुआ करती थी, काफी तेज एथलीट थी, जबरदस्त बॉलर थी, और शुरू में मैंने बॉलिंग करना शुरू किया था तब से। उस समय तो वुमेन्स क्रिकेट को कुछ भी नहीं मिलता था, उस समय लड़कियों को क्रिकेटर बनाना यानी इट वाज अ ह्यूज थिंग, सो पेरेंट्स ने सैक्रिफाइस किया था सुलन गोस्वामी के, उसके बाद जाके जिस लेवल का उन्होंने परफॉर्मेंस दिया 20 साल इंडियन टीम को, 20 साल इंडिया को, अपने देश को उन्होंने जिस तरह से सर्व किया, कहना होगा लाजवाब। 20 साल जो उनके दो डेकेज दो दशक जो उन्होंने क्रिकेट में गुजारे हैं 2002 से लेकर 2022 तक, वो लाजवाब रहे हैं, कितनी ही उपलब्धियां इसमें हासिल है पहली बार और आज ही जिन्होंने संन्यास ले रही है। मैं एक एक, एक 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 चीज आपको बता दूं कि झूलन गोस्वामी ने खेलना स्टार्ट किया था उससे पहले वो गली में लड़कों के साथ क्रिकेट खेलती थी और उन्हें हमेशा बिल्कुल उन्हें हमेशा फील्डिंग पर रखा जाता था, बैटिंग ज्यादा मिलती नहीं थी, लड़के कहते कि नहीं तू हाँ नहीं चल तुम सिर्फ बॉलिंग करोगी, और उसके वजह से उनकी जो बॉलिंग स्किल है वो भी अच्छी हो गई। और एक चीज और ये थी कि जो एक्यूरेसी का फैक्टर है ना, आप देखो वुमेन्स क्रिकेट में यॉर्कर्स है, आई थिंक स्पेशली यॉर्कर्स की मैं बात करूँ तो जबरदस्त यॉर्कर्स कौन डाल सकता है, आप नाम लोगे एलिस पेरी का जो ऑस्ट्रेलिया की डेड बॉलर है, आप नाम लोगे इंग्लैंड की, मैं नाम भूल रहा हूँ लड़की का यार, आई जस्ट मेरे मुंह में है पर मैं नाम भूल रहा हूँ, और झूलन गोस्वामी उनमें आती है, वन ऑफ द लेजेंड फास्ट बॉलर, लेजेंड फास्ट बॉलर्स कह सकते हो आप, और पहली वुमेन टू बी अ पहली वुमेन जिसने एक टेस्ट मैच में 10 विकेट झटके थे, ऐसे कई उपलब्धियां उनके पास, फर्स्ट इंडियन टू गेट 200 विकेट्स, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट 200 विकेट्स, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट 250 विकेट्स, और मैं आपको बता दूं अपने करियर में वो अब तक 263 मेडल्स मेडल ओवर डाल चुकी है, तो ये एक्यूरेसी दिखाता है जो इकोनॉमिक जिस तरह से वो मेंटेन करती हैं,
और जो एक्सपीरियंस है उनके पास, साथ ही साथ जो और सबसे कैमरेडरी, सबसे बड़ी आई बात, थिंक वर्ल्ड कप, हाँ वर्ल्ड कप में वो सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है अभी। वो तो, और साथ ही साथ देखें सूरज भाई कि सबसे बड़ी चीज ये देखने की मिलती है जो जो रिस्पेक्ट उन्होंने अर्न किया है, कमाई है लड़कियों में। आप देखें जो पूरी टीम है, स्मृति मंदना से लेके जेमिमा रॉड्रिक्स से लेके हरमनप्रीत कौर से लेके शिफाली वर्मा से लेके हर कोई, नई लड़कियां जो आती हैं वो एडमायर करते हैं झूलन गोस्वामी को एज अ फ्रेंडली सीनियर। मुझे और आप ये बताते देखें, हुए अनमोल जी, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 2016 में जब जब उनको वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था, उसके बाद सना मीर जो पाकिस्तान की प्लेयर थी, वो बड़ी अच्छी दोस्त है उनकी, तो उनको देखकर उन्हें उन्हें भी लगा कि नहीं, अपने टीम के लिए मुझे भी कुछ करना चाहिए। और वहाँ सना मीर 2018 में वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर रही थी, आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर। तो कहना होगा कि वो इंस्पिरेशन थी सना मेहर के लिए, क्योंकि उनके भी फैमिली पर्सनल लाइफ में, सना मेहर के भी हमने इश्यूज देखे हैं बिल्कुल सेम स्थिति उनके पर्सनल भी लाइफ थी। में। हाँ बिल्कुल, सना मीर का जो बड़ा भाई था वो भी क्रिकेट में था, उनका बड़ा भाई हमेशा उनसे आखिरी ओवर कर रहा था, वो भी लड़कों के साथ क्रिकेट खेलते थे। ऑलमोस्ट सेम कहानी है, बट दोनों अपने अपने टीम के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अच्छे प्लेयर्स हैं। लेजेंड प्लेयर्स कह सकते हैं आप बिल्कुल उनको। बिल्कुल और चलिए, तो आज के दिन झूलू दी यानी झूलन गोस्वामी, आज उनका अंतिम दिन है आज, मतलब क्रिकेट में भारतीय टीम को रिप्रेजेंट करते हुए, क्योंकि वनडे से भी अब जो एकमात्र फॉर्मेट वो खेलती थी वहां से भी वो अपना रिटायरमेंट ले चुकी हैं। इस मुकाबले के बाद वो संन्यास ऑफिशियली ले लेंगी, तो हम सबको काफी भावुक हैं, काफी भावुक होना भी चाहिए इस मुकाबले के लिए। तो देखते हैं आगे क्या होता है, तब तक के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए, मैच की अपडेट्स और रिव्यू शो जो है वो आपको हम देंगे ही जरूर ऑब्वियसली आके। और उसके अलावा भी वीवो पीकेएल का शेड्यूल आया है, मैंने अभी अभी शॉर्ट वीडियो अपलोड किया है 1-2 घंटा पहले, आप जाके देख सकते हैं उस वीडियो को भी। वीवो पीकेएल का शेड्यूल आया हुआ है, उस पर डिटेल एक वीडियो हम लेकर आएंगे कि अभी के लिए तो सिर्फ आधा शेड्यूल आया है, यानी 7 अक्टूबर से लेकर सिर्फ 8 नवंबर तक का आधा शेड्यूल और बाकी है। लेकिन आई थिंक वो भी जो आधा शेड्यूल है वो हमें काफी कुछ बताएगा कि इस साल किस तरह का एनवायरनमेंट होने वाला है कबड्डी में। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत खुश रहेंगे, सेफ रहेंगे, और कमेंट करिएगा वीडियो पे और लाइक करिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।